गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? डियर स्टूडेंट्स, यस नो? यस नो? आफिफ, मेरी आवाज आ रही है? आफिफ? यस सर. ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. वी हैव सीन यस्टरडे लास्ट में जाते जाते देयर आर थ्री यूजेस ऑफ डायमेंशंस. फर्स्ट यूज इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला. नंबर टू, टू गेट अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. टू गेट अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. And number three, to convert a physical quantity from one system of unit to another system of unit. You know, just a Newton to dyne, joule to erg, all that you can do by method of dimension. So very first use, first of all, you can write the title as use number one. Title like use number one. लिखा आपने यूज नंबर वन, और उसके बाद में लिखो चेक द करेक्टनेस ऑफ ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, वी इक्वल टू वेलोसिटी, एंड आर इक्वल टू रेडियस. ये हमें प्रूव करना है. एक्चुअली अपेरेंटली दिखता ही गलत है कि ये तो रॉन्ग फॉर्मूला है. एक का आंसर तो वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. ओके, व्हाट इज यूज नंबर वन? रोशनी, व्हाट इज यूज नंबर वन? रोशनी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. दैट इज राइट. ओके, अब ना मेथड क्या कहता है मतलब, सुनो, सब स्टॉप राइटिंग. To check the correctness of, यहां पे मुझे बताओ a equal to phi v square by r होता तो phi क्या होता? What is phi? Phi होता, 15 होता, 25 होता, 37 होता, आखिर ये सब क्या नंबर? Constant. We cannot check the constants involved in the equation by method of dimension. खाली ध्यान रखना. हाँ जी, उसको उनको बोलो कि साहिल से बात हुई क्या? हाँ, ओके. चेक द करेक्टनेस ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर बाय आर. हाँ, हो गई ना? ओके, मतलब पांच क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे. व्हाट इज द कॉन्स्टेंट हियर? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द कॉन्स्टेंट हियर? One. हाँ, तो वन का पता नहीं लगा सकते. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ LHS? पहले LHS इज एक्सेलरेशन, इक्वल टू एक्सेलरेशन. ओके, डायमेंशन ऑफ LHS, L अपॉन T स्क्वायर. व्हाट इज दैट? L, L1, M0, T माइनस 2. इक्वेशन नंबर वन. व्हाट इज RHS? RHS क्या है बच्चों? मैंने नहीं बोला स्टार्टिंग में. टू चेक द प्रॉपरली हियर. हाँ, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वेयर ए इज एक्सेलरेशन, वी इज वेलोसिटी, आर इज रेडियस. एक क्वेश्चन है. पेज नंबर लिखा
लिखा क्या? ओ डियर स्टूडेंट्स, आपने लिखा क्या? आपने लिखा क्या? आर एच एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि वी स्क्वायर इंटू वन अपॉन आर। V के बदले क्या लिख देगा? वन अपॉन टी, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। और R के बदले, R इज रेडियस, रेडियस इज मास, लेंथ और टाइम। From one and two, dimension of LHS equal to dimension of RHS. Therefore, given equation is dimensionally correct. टी माइनस टू है यहां पे, एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको, पूरा प्रॉब्लम समझा देता हूं। दिस इज द वे, एक्चुअली लिखता था गलत कि इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर हो ही नहीं सकता, बट इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज अ करेक्ट इक्वेशन। ओके, देखो सबसे पहले हमें ये करेक्ट करना था और ये चेक करना था वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो हमने क्या किया, टू चेक द करेक्टनेस, तो हमने कांस्टेंट भगाया और प्रोपोर्शनल लिखा, बिकॉज कांस्टेंट्स कैन नॉट बी चेक्ड बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर, इसकी एलएचएस है आरएचएस है, तो एलएचएस इज कंसिस्ट ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसके डायमेंशन निकालो, जो भी एलएचएस है उसके सबका डायमेंशन निकालो। तो डायमेंशन क्या आया, एल वन एम जीरो टी माइनस टू, कॉल दैट इज इक्वेशन नंबर वन। आरएचएस क्या है, आरएचएस है वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज वी स्क्वायर इनटू वन बाय आर। वी इज व्हाट, एल बाय टी का स्क्वायर, इनटू आर क्या है, एल, तो एल स्क्वायर अपॉन एल, एल अपॉन टी स्क्वायर, एल वन एम जीरो टी। यहाँ पे देखा एल वन एम जीरो टी माइनस टू, यहाँ पे भी एल वन, दैट मीन्स फ्रॉम वन इनटू डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों डायमेंशनली लिखा हमने, एनीवन कैन टेल मी, कोई मुझे बता सकता है डायमेंशनली क्यों लिखा मैंने, करेक्ट क्यों नहीं लिखा? एनीवन कैन गेस, डू गेस वर्क, गेस वर्क ऐसे ही, कोई बता सकता है? आज कौन कौन नहीं आया, भार्गेश नहीं है, हाँ एनीबडी, क्यूबस से डायमेंशन सेम है क्या? क्या बोले जीतू, क्या सो क्यूबस से डायमेंशन सेम है दोनों के? नहीं, डायमेंशन सेम नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट चेक द कॉन्स्टेंट। अंदर जो वन था, वन के बदले टू है कि फाइव है कि ट्वेंटी फाइव, वी डोंट नो। आई होप दैट्स क्लियर। यस यस, इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है डायमेंशनली करेक्ट। बोल रहे दूसरे लिखो, चेक द करेक्टनेस ऑफ, चेक द करेक्टनेस ऑफ, check the correctness of t equal to 2 pi root of l by g, t equal to period, l equal to length, g equal to acceleration due to gravity. Sir, 2 is equals to, sir, yeah. What you have written, sir,
t equal to 2 pi root of l upon chota g, where t is period, l is length, g is acceleration due to gravity. Yeah, please ask me. Yeah, please ask. Yes, I wasn't able to see due to the reflection of light. Okay, so I got it. Reflection, all right. Okay. Abhi, now you can see? Yes, sir, now I can see. Okay, it has become dark. Theek hai. यहाँ पे anybody can tell me पहला step क्या लिखूँ check the correctness of what anyone who can tell me sir t is directly proportional to root l upon g that's lovely answer क्योंकि 2 pi we cannot check Lx is equal to t. T and a time. The order and dimension. Dimension of Lx is kya hoga? L0, M0, T1. Call that is equation number 1. RHS is kya hovega? RHS kya hovega? Bolo. RHS kya likho? root of l upon g ab ek minute chalo pehle idhar to what is g kya hai g acceleration l upon t square that is nothing but dimension of rhs equal to root of l upon g ke badle kya likhu यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं तो कुछ लफड़ा नहीं चाहिए तो l into root of 1 upon g l into 1 upon g के बदले क्या लिखूं बोलो g के बदले क्या लिखूं l upon t square so what will happen this l and l will get cancelled that is root of क्या लिखूं anyone so t square आपके पास आ गया तुमको ना you understood ना Yes, sir. Okay, that is equal to T. And that is nothing but L0 M0 T1. Equation 2. From 1 and 2. Therefore, given equation is dimensionally correct. अरे रोशनी को तो पूछा मैंने एक बार ना हेलो गुप्ता हेलो यस सर यस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है प्रेशर का फॉर्मूला व्हाट अपॉन व्हाट सर फोर्स अपॉन एरिया लवली लवली वेरी गुड एंड हु विल टेल मी हुसैन दागीना वाला ओ हुसैन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है समास अपॉन व्हाट दैट्स राइट लवली बहुत अच्छे बच्चे हैं एक बार रूलर मार दो इसके ऊपर माज ओ माज 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 आया नहीं देखते हैं ओके इधर देखो टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी ये सब हमको प्रूव करना था तो सेक द करेक्ट द 2 पाई भगाया ये लिखा LHS में सिर्फ टाइम है तो इसके डायमेंशन आया T1 RHS consists of root of L by G that is root of L into 1 upon G L का L G का L upon T square jump par के ऊपर आएगा LL कट जाएगा root of T square which is T L0 M0 T1 ये दोनों सेम है इसलिए इक्वेशन इस डायमेंशन लिखकर है इसके बाद लिखो नेक्स्ट शो दैट चेक द करेक्टनेस ऑफ Check the correctness of V equal to root of P by rho. V
v equal to velocity, p equal to pressure, rho equal to density. चलिए अपने आप करो, राइट इज रॉन्ग, मेरे हिसाब से रॉन्ग लग रहा है. चलो करो अपने आप करो. हाँ, आया किसी को? आपको पूरा टाइम अभी पढ़ाई में करना है, बहुत आपने एंजॉयमेंट कर लिया है. नाउ यू नो वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, सून विल बी स्टार्टिंग 12th ऑल्सो. तो अपने को 11th में पूरा ध्यान देना है, फुल टाइम स्टडी करो और डू स्टडी ओनली विथ राइटिंग प्रैक्टिस. हमेशा जो लिख के पढ़ाई करता है वो अच्छा हमेशा आएगा. ये कितने लोगों ने लिखा भी प्रोपोर्शनल रूट ऑफ पी बाई रो? ओम लिखा है? यस सर. माज, ओ माज, माज, माज अभी एंट्री मारी है. माज, माज बोल ही नहीं रहा आज. एलएच इज इक्वल टू वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज एल बाय टी. सो व्हाट इज द डायमेंशन? एल वन टी माइनस वन, एम जीरो टी माइनस वन, इक्वेशन नंबर वन. What is RHS? P into 1 by rho. कितने लोग को आया आंसर? राइट है कि रॉन्ग है इक्वेशन? राइट. हाँ, कौन बोला राइट? Who said right? जीतू की आवाज थी और रोशनी की आवाज थी. रोशनी वेरी गुड. सर विधि. अच्छा विधि, वेरी गुड विधि, विधि लवली. ओके, प्रेशर के बदले क्या लिखना है? एनीवन नोस? आलोक ने अभी अभी आंसर दिया था, फोर्स अपॉन एरिया. डेंसिटी के बदले क्या लिखना है? एम अपॉन वी. मास अपॉन वी इज वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी. एल बाई टी मत लिख देना इसको. V is volume. Volume के बदले क्या लिखने का? Sir, L cube. That's lovely. बहुत अच्छी बच्ची. Force is mass into acceleration. Area, L square. Volume ऊपर गया. Upon mass. Mass, mass cancel. That is root of 1 upon L square. Acceleration के बदले L upon T square. V के बदले L by T. V के बदले L by T. सर L cube. अरे विधि, so this will become L square upon T square. That is L by T. Dimension of RHS.
L1 M0 T minus 1, equation number 2. अरे मैं एक फॉर्मूला देना भूल गया था तुम लोगों को, मैं बिल्कुल भूल गया था. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सरफेस टेंशन, दिया था मैंने. हैव आई गिवन सरफेस टेंशन का फॉर्मूला? नहीं दिया होगा मुझे लगता है, मैं पूरे फॉर्मूला लिस्ट में सरफेस टेंशन नहीं दिया था. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नहीं दिया था. तुम लोगों को क्या लग रहा है विधि? ओ विधि, नो सर, नहीं दिया था ना. हाँ, मैं जरा सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला देना चाहता हूं. अभी का अभी अत्ताच, किसी ने सुना है सरफेस टेंशन? हाँ, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखो. यहां पे मैं लिख रहा हूं और भी एक यूज कर, ऐसा लिखो सरफेस टेंशन इक्वल टू एफ अपॉन एल. जरा डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकालो. डायमेंशन निकालो, एक बार रूलर मारो इसके ऊपर कि समझ गए हो. ओम मिस्त्री, एक बार रूलर मारूं? हुसैन, हुसैन, नो सर. एनीबडी एल्स? चलो बता देता हूं, वी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पी बाय रो. वी का तो एल बाय टी है तो खत्म हो गया. राइट हैंड साइड देखो, मैंने पी था ना, तो P into 1 upon rho, अलग अलग जुदा जुदा कर दिया. प्रेशर के बदले फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी के बदले मास अपॉन वॉल्यूम, जंप मार के ऊपर चला जाएगा. फोर्स के बदले एम है, एरिया के बदले एल स्क्वायर, वॉल्यूम के बदले वॉल्यूम लिखा पहले, वॉल्यूम अपॉन मास, मास मास गेट्स कैंसिल. दिस इज एल स्क्वायर इज 1 अपॉन एल स्क्वायर, ए के बदले एल अपॉन टी स्क्वायर, वॉल्यूम के बदले एल क्यूब, ऊपर है एल रेस टू 4 अपॉन एल स्क्वायर, तो इट विल बिकम एल स्क्वायर, क्योंकि नीचे टी स्क्वायर, एल बाई टी. डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन निकालो सर. एल जीरो एम वन टी माइनस एफ इंटू वन बाय एल, एफ इज मा, दिस इज वन बाय एल, एम इंटू ए इज एल बाय टी स्क्वेर इंटू वन अपॉन एल, एल एल कैंसल. So dimensions are L0, M1, T minus 2. चलो इसके बाद देखो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ टी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो टी अपॉन, नहीं रो आर अपॉन टी. प्लीज दौड़ा, यहाँ पे टी दिख रहा है लेकिन टी सरफेस टेंशन है. टी क्या है? सरफेस टेंशन. स्मॉल टी इज व्हाट? स्मॉल टी इज समय, टाइम. व्हाट इज रो? डेंसिटी. डेंसिटी आर रेडियस.
equal to surface tension. What is LHS? Conan? Conan Qureshi? Say yes, no? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? हाँ सर, बोलो। तुम लिख रही हो कि खाली देख रही हो? अरे लिख रही हूँ। You must write and I will ask you to show me the writing part. कैमरा ऑन करके आपको दिखाना पड़ेगा। ओके। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू L0 M0 T1 ये लिखा है, ये आपने लिखा बिटा दो इसको, सरफेस टेंशन के बारे में लिखा कि नहीं लिखा? ओ बच्चों लिख दिया। ओम लिखा है ये? ओम यस सर। Dimension of RHS. कैसे करें इसको? डेंसिटी के बदले क्या लिखूं? डेंसिटी के बदले अभी मास अपॉन वॉल्यूम ने फॉर्मूला बताया था। मास अपॉन वेलोसिटी या वॉल्यूम, क्या है ये? वॉल्यूम। वॉल्यूम के बदले L by T लिखने का कि L square लिखने का? L cube लिखने का। L cube लिखने का। R is length and this is समय, capital D was समय, so I'll write small t. All of you agree? All of you agree? थोड़ी है सर, वो तो सर। तो क्या है वो? Surface क्या है वो? Surface tension का formula क्या हुआ थे? Surface tension का formula क्या हुआ थे? F upon L. मास वॉल्यूम के बदले क्या लिखूं? एल क्यूब, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, वन अपॉन मास, एम एम कैंसल, एल स्क्वायर अपॉन एल क्यूब बिकम 1 upon L. Or what about acceleration? Acceleration will become L upon T square. L upon T square upar chala jayega. That is root of T square upon L square. That is T by L. Oho, oho. So this dimension will be minus N M0 T1. And therefore, dimensions are exactly the same. All of you agree? Are the dimensions exactly the same? Bolo, bolo. No. क्या dimension एक जैसे हैं क्या? बोलो ना बच्चे लोग. No sir. नहीं sir, अलग है. नहीं है. L zero है यहाँ पे, L minus one है. And therefore इधर एल माइनस वन है, डायमेंशन ऑफ LHS यहाँ पे पहली बार चेंज आएगा नो, और फिर लिखना है डायमेंशन लेने, इट इज इनकरेक्ट, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट, डायमेंशन इक्वल होना ही चाहिए, डायमेंशन इक्वल होना ही चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. एक बार और रूलर मार दूं ना, एक बार रूलर मार देता हूं.
देखो सिचुएशन ये हमें बोला था प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत इजी था टाइम डायमेंशन आर एच इसका फॉर्मूले का रो आर अपॉन टी रूट ऑफ रो आर टी के बदले वन अपॉन टी थोड़ा साइड में लिख दिया डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम आर इज नथिंग बट एल सरफेस टेंशन इज एफ बाय एल एम एज इट इज वॉल्यूम के बदले एल क्यूब एल 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 इंटू एल एल स्क्वायर फोर्स के बदले मा तो ये m और n गेट्स कैंसिल और ये l स्क्वायर अपॉन l क्यूब से आया 1 अपॉन l a के बदले l अपॉन t स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर t बाय l डायमेंशन इज दिस एंड व्हिच इज इनकरेक्ट दिस टू आर नॉट इक्वल दिस टू आर नॉट इक्वल बोलो बोलो इज दिस क्लियर कि नहीं है क्लियर प्यारे बच्चों यस सर क्लियर क्लियर इसके बाद लिखो चेक द करेक्टनेस ऑफ चेक द करेक्टनेस ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस स्क्वायर सबमिटर बताऊंगा वैसे करने का हर एक टर्म का डायमेंशन निकालो वी स्क्वायर का यू स्क्वायर का टू ए स्क्वायर का तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर इज व्हाट एल अपॉन टी का स्क्वायर So, what are the dimension? L2, M0, T minus 2. What is dimension of U square, which is same, exactly same? What is dimension of U is initial? All of you know, na? All of you know, U is initial velocity. Yes, sir. V is final yes, velocity. Sir. Any velocity will be L by T. Because velocity is a general formula, L by T. चाहे इनिशियल हो फाइनल हो मिड पॉइंट पे हो एंड में हो कहीं पे भी वेलोसिटी हो या स्पीड हो 2 a स्क्वायर 2 इज व्हाट इज 2 2 क्या है कांस्टेंट कांस्टेंट सब कुछ नहीं रहेगा a का l बाय t स्क्वायर s इज द डिस्प्लेसमेंट तो क्या राइट m s स्क्वायर के बदले क्या लिखूं m स्क्वायर लिखूं या t स्क्वायर लिखूं क्या लिखूं s स्क्वायर के बदले Since dimensions of all terms are not same, therefore, given equation is incorrect. No, the equation is incorrect. फिर होमवर्क में जरा ये करो होमवर्क में v = u + lt then s = u t + half a t square ये सब चेक कर रहे हैं आपको करेक्ट इसका होमवर्क then h = 2t upon r rho g t equal to surface tension बाकी सब सेम है मतलब h is height radius density acceleration due to gravity एक दो तीन चौथा एक मास्टर प्रॉब्लम देता हूं t is time
R is distance, M is mass, and G kya hoga? G. Anybody can tell me what is capital G? Anyone? Sir, universal constant of gravity. My God, superb answer. Superb answer. By, I think, Alok ki avasti. Am I right, Alok? Hussein. Hussein, okay. Tum dono ki awaaz lagbhag ek jaisi lagti hai. Very good, Hussein. Bahut pyara answer tha ye. Aur ye aapko maine bataya kaise nikalne ka dimension. You already know. Who can tell me how to find out? Who can tell me just now? Dimension of G nikalne ka formula kya hai? Upon M1, M2. Yes, yes. Beautiful, Afif. Bahut. This class is now becoming excellent. I'm so happy about it. Lekin Marj aaj bol nahi raha hai. Marj, say yes, no. Oh, Marj. Marj equal to Prisha. Aaj Marj ko kya hua? Shayad dimag lag gaya. Kya hua? Conan kuch boli aap? Oh, Conan. अरे सर आलोक पूरा स्क्रीन ब्लर आ रहा है तुमने लिखा सबको ऐसा आ रहा है पूरा स्क्रीन ब्लर प्यारे बच्चों नहीं सर पूरे सबको ब्लर आ रहा है क्या नहीं सर नहीं ओके अब हम लोग करेंगे यूज नंबर टू में लिखो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ना यूज नंबर टू में चेक द करेक्टनेस नहीं Show that, prove that. Get a relation between हमारे पास समय 1:21 बचा है हाँ इधर देखो सबसे पहले टू शो दैट देखो उसमें क्या था यूज नंबर वन का क्वेश्चन क्या था ये सेम था लेकिन क्वेश्चन क्या था वहां पे Check the correctness of. यहाँ पे check the correctness नहीं है. Show that that means this is correct only. We have to prove. Now ये second part है ना ये बोलता है acceleration का relation velocity के साथ क्या होगा? V और R का क्या relation है acceleration के साथ? Already constant खाली मालूम नहीं पड़ेगा अपने को. 2 pi होगा, 80 होएगा, 75 होएगा, जो भी होगा वो हम लोगों को पता नहीं है. Already. तो हम लोग को रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन का विद वेलोसिटी एंड रेडियस तो कैसे टू शो दैट पीएचटी मींस टू शो दैट ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज टू शो दैट अभी कांस्टेंट भगाना है मेरे को तो क्या लिखूं